वित्त मंत्री का ये बजट बहुत ही निराशजनक था, क्योंकि ये पूरा बजट सरकार की कमजोरी और अस्थिरता का उदाहरण था। पूरा बजट मानो दो प्रदेशों को और दो विशेष राजनीतिक दल को तवज्जो दे रहा था, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी बचानी है। तो सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए ये पूरा बजट का सत्र बुलाया गया है। यहाँ पे मध्यम वर्ग, किसानों और बेरोजगार को ना कुछ मिला है। हाँ, वे उद्योगपति जो सरकार को, भाजपा को चंदा देते हैं, उनको नए नए तरीके मिले हैं कि कैसे वो अपना मुनाफा बढ़ा सके। तो पूरी तरीके से ये बजट व्यर्थ, कुर्सी बचाओ और उद्योगपति को और धनी करो का बजट ये हमें देखने को मिला।